नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल एंड नेचुरल टेक्निकल वर्ल्ड पर। दोस्तों, भक्ति भाव से भरपूर सच्ची कहानियों की इस सीरीज में ये कहानी है गुजरात के एक मास्टर जी की, जिनके भक्ति भाव की लाज बचाने के लिए भगवान स्वयं उन्हीं के रूप में प्रकट हुए थे। यह कहानी है गुजरात के मनसुख राम जी की, जो कि एक सरकारी विद्यालय में पढ़ाते थे। मनसुख राम जी को भगवान के प्रति जरा भी आस्था नहीं थी, वह एक नास्तिक इंसान थे। परंतु मनसुख राम जी की पत्नी ऊजन बाई उतनी ही श्रद्धा और आस्था के साथ भगवान का पूजा पाठ किया करती थी और एवं भजन कीर्तन तथा सत्संग में बड़े ही भक्ति भाव से आनंदमय होकर भाग लिया करती थी। एक दिन मनसुख राम जी के गांव में कुछ संतों का आगमन हुआ और वो संत घूमते घूमते एक चौराहे पर पहुंचते हैं, जहां गांव के कुछ ऐसे लोग बैठे थे जो इधर की उधर करने में मस्त रहा करते थे। उन लोगों से उन संतों का पूछना है कि इस गांव में किसी ऐसे भक्ति से परिपूर्ण मनुष्य को बताइए जिसके यहां हम जाकर भोजन ग्रहण कर सकें। तो वो जो चौराहे पर बैठे हुए इधर की उधर लगाने वाले जो लोग थे, उन लोगों ने उन संतों से कहा कि हाँ महाराज जी, इस गांव में एक ही इंसान है जिसके यहाँ आप श्रद्धा से भोजन ग्रहण कर सकते हैं, और वह है मनसुख राम जी। इस तरह चौराहे पर बैठे हुए वो लोग उन संतों को जानबूझकर मनसुख राम जी के घर भेज देते हैं। जब वो संत मनसुख राम जी के घर पहुंचते हैं तो मनसुख राम जी तो विद्यालय पढ़ाने गए हुए थे, परंतु उनकी पत्नी ऊजन बाई घर पर उपस्थित थी। वह तो भक्ति भाव से परिपूर्ण और भगवान के प्रति बहुत अधिक श्रद्धा रखती थी। जैसे ही उन्होंने उन संतों को अपने द्वार पर देखा, वो अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा, भगवान आइए, आसन ग्रहण कीजिए, मैं तो धन्य हो गई जो आप मेरे घर पधारे हैं। इस तरह ऊजन बाई ने उन संतों को बड़े ही भक्ति भाव से और श्रद्धा के साथ बिठाल कर भोजन की तैयारियां की। इतने में क्या होता है दोस्तों, कि वही लोग जिन्होंने संतों को मनसुख राम जी के घर भेजा था, वो सीधे विद्यालय जाते हैं जहाँ मनसुख राम जी पढ़ाते थे, और वहाँ जाकर मनसुख राम जी से यह बोलते हैं कि मनसुख राम, आप इस विद्यालय में पढ़ा रहे हो और आपके यहाँ संतों की भीड़ लगी हुई है, वहाँ भजन कीर्तन हो रहे हैं और वो भोजन ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें इधर की उधर लगाने वाले लोगों की बातों को सुनकर मनसुख राम जी तुरंत घर को जाते हैं और वह देखते हैं कि घर पर भीड़ लगी हुई है, भजन कीर्तन चल रहा है और संत भोजन ग्रहण कर रहे हैं। इसी दौरान होता क्या है दोस्तों, कि मनसुख राम जी का हाथ किसी संत से स्पर्श होता है और अचानक ही एक भक्ति भाव का संचार होता है उनके शरीर में, उनके मस्तिष्क में। दोस्तों, उसी दिन से मनसुख राम जी के विचार बदलने लगते हैं और उनमें आध्यात्मिक ज्ञान की अनुभूति होने लगती है, भक्ति भाव अपने आप ही आने लगता है। कुछ ही दिनों के पश्चात मनसुख राम जी के विचारों में इतना अधिक परिवर्तन आ जाता है कि वह एक दिन अचानक अपनी धर्म पत्नी ऊजन बाई से कहते हैं कि मुझे डाकोर बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाना है। तो वह एक पूर्णमासी के दिन डाकोर बिहारी जी के दर्शन, जो कि एक गुजरात के बहुत ही प्रसिद्ध भगवान हैं डाकोर बिहारी जी, उनके दर्शन करने के लिए पूर्णिमा के दिन जाते हैं। उस रोज पूर्णमासी को भगवान डाकोर बिहारी जी के दर्शन करने के बाद मनसुख राम जी को प्रभु की भक्ति की ऐसी लगन लगती है, ऐसा नशा चढ़ता है
को वह हर पूर्णिमा को डाकोर बिहारी जी के दर्शन के लिए सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों जब यह बात उन्हीं लोगों को जिन्होंने संतों को उनके घर भेजा था जानबूझ करके उन्हें पता लगती है कि मनसुख राम जी प्रत्येक पूर्णिमासी को स्कूल को छोड़ करके डाकोर बिहारी जी के दर्शनों के लिए जाते हैं और उनकी उपस्थिति स्कूल में विद्यालय में दर्ज हो जाती है, तो उन्होंने उसकी शिकायत बेसिक शिक्षा अधिकारी जो कॉलेजों का निरीक्षण कर स्कूलों का निरीक्षण करता है उससे कर देते हैं जा करके कि प्रत्येक पूर्णिमासी को मनसुख राम डाकोर बिहारी के दर्शनों के लिए जाता है और स्कूल में उसकी उपस्थिति को दर्ज कर दिया जाता है, चढ़ा दिया जाता है। तो अगली जो पूर्णिमासी आती है उस पूर्णिमासी को वह अधिकारी स्कूल में निरीक्षण के लिए जाता है। हर पूर्णिमा की तरह मनसुख राम जी तो डाकोर बिहारी जी के दर्शनों के लिए गए हुए थे। अब वहाँ पर अधिकारी जब पहुँच जाते हैं तो वो लोग जिन्होंने शिकायत की थी बड़े खुश होते हैं। उन्होंने कहा आज तो मनसुख राम जी पकड़े जाएंगे और देखते हैं क्या होता है। तो वो अधिकारी जब वो कॉलेज स्कूल की तरफ आते हैं तो कुछ लोग जिन्हें पता लगता है गांव के, वो मनसुख राम जी की पत्नी जो ऊजनवाई थी उन्हें जाकर के बता देते हैं कि ऊजनवाई आज तो अधिकारी स्कूल में निरीक्षण के लिए आए हुए हैं और मनसुख राम जी को ही देखने आए हैं और आज अगर वो स्कूल में नहीं मिलेंगे तो पता नहीं उनके साथ क्या क्या होगा, कौन सा दंड वो उन्हें देंगे। तो ऊजनवाई बड़ी घबराती हैं और उनके सामने जो ठाकुर जी की मूर्ति रखी हुई होती है वो तुरंत उसके सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, आज परीक्षा मेरी नहीं या मेरे पति मनसुख राम जी की नहीं, प्रभु आज परीक्षा है आपकी भक्ति की, आपके भक्ति भाव की। प्रभु आज यदि मनसुख राम विद्यालय में नहीं मिले तो बदनाम मैं नहीं होंगी ना ही मेरे पति मनसुख राम जी होंगे, प्रभु बदनाम आपकी भक्ति होगी। अब होता क्या है दोस्तों कि वह अधिकारी जो निरीक्षण के लिए आया हुआ था वह स्कूल के अंदर जाता है और जिस कक्षा में मनसुख राम जी पढ़ाते थे उसी कक्षा में प्रवेश करता है। तो वह देखता क्या है कि मनसुख राम जी हाथ में चौक लिए हुए बच्चों को बड़े ही प्यार से पढ़ा रहे हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं। यह देखकर वह अधिकारी वहां से वापस लौट देता है और जाने के लिए तैयार होता है। जब वह वापस जाने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो देखता है कि आगे से मनसुख राम जी एक बैलगाड़ी से उतर के वापस आ रहे हैं। तो वह यह देख करके बड़ा ही आश्चर्यचकित होता है और उतर करके मनसुख राम जी के पास जाता है और उनसे पूछता है कि मनसुख राम जी आप कहाँ से आए हैं। तो मनसुख राम जी बताते हैं कि साहब मैं तो हर बार की तरह डाकोर बिहारी जी के दर्शनों के लिए गया हुआ था, वहीं से वापस आ रहा हूँ। इस पर वह अधिकारी आश्चर्यचकित होकर मनसुख राम जी से पूछता है कि यदि आप डाकोर बिहारी के दर्शनों के लिए गए हुए थे और वहाँ से वापस आ रहे हैं तो उस कक्षा में चौक लिए हुए बच्चों को कौन पढ़ा रहा है। इतना सुनकर जो मनसुख राम जी होते हैं वह समझ जाते हैं कि आज तो डाकोर बिहारी जी साक्षात मेरे ही रूप में प्रकट होकर कक्षा में उपस्थित हुए हैं इस अधिकारी को दिखाने के लिए। मनसुख राम जी बड़े ही भाव विभोर हो जाते हैं यह समझ करके कि प्रभु स्वयं आए थे उसकी लाज बचाने के लिए, और वह जो अधिकारी था वह आश्चर्यचकित होकर वहाँ से चला जाता है। इस तरह प्रभु अपने भक्त की लाज को बचाते हैं। तो दोस्तों सार यही है कि भगवान तो अपने भक्तों के भक्ति भाव के बंधन में बंधे हुए हैं, जैसा भाव होगा वैसा ही प्रभु का रूप होगा। फिर चाहे उन्हें
अर्जुन का सारथी बनना पड़े या फिर सुदामा की सेवा करनी पड़े। जैसा हमारा भगवान के प्रति भाव होगा, वैसा ही भगवान का हमारे प्रति समर्पण होगा। दोस्तों, आपसे विनती है कि यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे शेयर जरूर करें, जिससे भक्ति भावना का प्रचार प्रसार हो सके। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही किसी भक्ति भाव से भरपूर सच्ची घटना के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय राधे कृष्ण।